सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे देखते रहिएगा। सरकार भी है आज विद्यालय में जो बहुत ही सुंदर तरीके से जो कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए मैं विद्यालय परिसर के सारे सदस्यगणों को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज इस मंच पे उपस्थित सम्मानित नगर पंचायत आदरणीय श्री सुरेंद्र पाल जी का मैं नंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती पुष्पा कुमारी जी का भी मैं नंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मंच में उपस्थित सम्मानित श्री गजेंद्र गुप्ता जी का भी मैं नंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही इस मंच पे उपस्थित श्रीमती रेखा सिंह जी का भी मैं नंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ में इस मंच पे सम्मानित सभी अतिथिगण का मैं नंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में, इस प्रांगण में जितने भी हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं, हमारे अभिभावक गण हैं, सम्मानित वार्ड सदस्य हैं, इस विद्यालय परिसर के सदस्यगण, शिक्षा पदाधिकारी, सारे शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, आप सभी का मैं हृदय से नंदन अभिनंदन करती हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम एनुअल फंक्शन जो होता है, एक तरह से बच्चों के लिए रखा जाता है ताकि बच्चे मोटिव होकर अपने क्रिएशन को सबके सामने रखें। एक साल में बच्चों ने क्या किया नहीं किया, ये सारा डिपेंड हम पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है। देखा जाए तो हम मम्मी लोग बच्चों को स्कूल तो भेज देते हैं, लेकिन आगे का जो पूरा एक लॉन्ग टाइम जो होता है बच्चों का, वो स्कूल में बीतता है। मैं आज एक टॉपिक, बहुत अच्छी टॉपिक है कि आज की दुनिया में मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या बच्चों को मोबाइल देना चाहिए। कितनी मम्मी एग्री है, थोड़ा हाथ उठा के बता दीजिए, बच्चों को मोबाइल देना चाहिए? क्योंकि आज जिस तरीका से मोबाइल का जो प्रचलन चला हुआ है हमारे समाज में, ये कहीं ना कहीं बच्चों के पढ़ाई में रोड़ा के काम कर रहा है। ये मम्मीज लोग को समझ में आना होगा मेरी बातों को, क्योंकि मैं इस चीज को फेस करती हूँ। लाइफ में एक चीज जान लीजिए कि बच्चों का फाइनल एग्जाम आने वाला है, और फाइनल एग्जाम का रिजल्ट बच्चों का नहीं, मम्मी का होता है। और श्री वंश नारायण पाल जी इस नगर के समाज बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेंद्र कुमार पाल जी, मुख्य पार्षद नगर पंचायत। हम सबों के बड़े भाई आदरणीय सुरेंद्र कुमार पाल जी, इस मंच पे उपस्थित कुदरा नगर पंचायत के मुख्य उप मुख्य पार्षद श्रीमती रेखा सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित कुदरा भागदू की सम्मानित जिला परिषद सदस्य श्रीमती श्वेता गुप्ता जी, इस मंच पे उपस्थित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्रीमती पुष्पा कुमारी जी, इस मंच पे उपस्थित हम सबों के अभिभावक कुल, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेता आदरणीय वंश नारायण पाल जी, इस मंच पे उपस्थित हम सबों के अभिभावक कुल, समाजवादी नेता और इस विद्यालय के संरक्षक आदरणीय कृपा नारायण सिंह जी, हमारे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री कन्हैया राम जी, कुदरा नगर पंचायत के सम्मानित वार्ड सदस्य आदरणीय श्री अशोक कुमार शर्मा जी, आदरणीय श्री दूधनाथ राम जी, श्रीमती बेबी कुमारी जी, हमारी वार्ड सदस्य श्रीमती पाल जी, अरुण पाल जी, और हमारे सामने तमाम बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित अभिभावकगण, हमारे नौनिहाल छात्र एवं छात्राओं, माताएं एवं बहनों, और विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित शिक्षकगण, और सभी इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, सभी टेक्नीशियन, डीजे, साउंड वाले सभी लोगों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस माउंट इंडियन
पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बहुत हर्ष का विषय है। लालापुर में नजदीक में नगर पंचायत के दायरे में इतना अच्छा विद्यालय और इतने अच्छे विद्यालय का कार्यक्रम, और उससे भी अच्छी बात है कि इस विद्यालय के जो निर्देशक है वो हमारे अच्छे मित्रों में से भी एक रहे हैं और बचपन में हम लोगों ने पढ़ाई भी एक साथ ही की है और हम लोगों ने मैट्रिक एक ही साथ किया था। तो बहुत अच्छी बात है कि समाज के सेवा में हम दोनों लोग लगे हुए हैं, कोई शिक्षा के माध्यम से सेवा कर रहा है और कोई जनता से सीधे जुड़कर सेवा कर रहा है, लेकिन दोनों जनता के ही काम कर रहे हैं। और हमारे कई बच्चे जो लगातार अपने अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे और उसमें दो बच्चियों ने नशा मुक्ति के ऊपर भी काफी अच्छा अपने कुछ गायन के माध्यम से समाज को संदेश देने का प्रयास किया। श्वेता गुप्ता सदस्य जिला परिषद से। क्या बेटू ताली बजाते रहिए बच्चों। श्री गजेंद्र गुप्ता जी, लड़की